मुझे सब समझ आ रहा है, तुम लोग मेरी माँ को भी मारना चाहते हो ना? हाँ, वहाँ आप भी हैं और फिर तुम भी तो होगे सर। जी जी डॉक्टर, इनकी कंडीशन आपको बता चुकी हूँ, ठीक नहीं है, करना होगा। और क्या डॉक्टर, आपको किसने बताया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस इसे सुलाना चाह रही थी। उनको आदत नहीं है सुलाने की इसे, तो मैं हर काम कर तो रही हूँ उसका। तेरे जाने के बाद ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है। अब सफीर तो परीन को छोड़ देगा क्योंकि वह सब कुछ तो ले चुका, अब उसके पास कुछ बाकी नहीं बचा। अब वो किसी और लड़की से अफेयर चला लेगा। जबकि दूसरी तरफ सज्जल को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसकी माँ बहुत कोशिश कर रही है। जबकि उधर माहम तो हमाद से मोहब्बत करती है, पूरे घर को संभाल रखा है। हमाद की माँ भी बहुत खुश है, लेकिन अब घर वाली बात सबके सामने आ जाएगी, जिसके बाद अलीज़े भी सज्जल से नफरत करेगी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमाद को पसंद करने लगी थी, उसे शादी करने वाली थी। लेकिन अब अलीज़े को जब ये मालूम होगा कि अशर शादी से पहले अलीज़े की भाभी उमैर से मोहब्बत करती थी, तो वो उमैर और अलीज़े के तल्लुक के बारे में अपनी माँ को बता दे कि उसके पास तो जवाब आ जाएगा कि अलीज़े को घर से निकाल दे। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से लास्ट में आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बस आसानी मिलता रहे।